आज हमारे पास एक ECM आया है, ये हुंडई गाड़ी का है। तो इसमें जो इलेक्ट्रीशियन भाई लेकर आए हैं, उन्होंने बताया है कि ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम वायरिंग की है या ECM की है, ये उनको भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से चेक कराने के लिए हमारे पास लेकर आए हैं। गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, कभी कभी एक्सीलेटर वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें रेस छोड़ देती है। तो इसमें क्या है, इसको हम जो है इसको आज खोलते हैं। और ये पर्टिकुलर कौन सा मॉडल है, किस ईयर का मॉडल है, ठीक है, पर्टिकुलर किस गाड़ी का ECM है ये, तो ये मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से पता लगाएंगे ये पर्टिकुलर किस गाड़ी का मॉडल है। ठीक है, और इस उसके बाद इससे ये भी पता चलेगा कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस ईयर का सॉफ्टवेयर है। और इस ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हो सकता है इसके 3-4 पार्ट भी बन जाए। तो हमने इसके चार ये जो इस पेच हैं, इसके नट हैं, इसको ये हम पहले खोलते हैं सबसे पहले। और जो नए बंदे हैं हमारे ECM काम करने वाले भाई लोग, तो उनके लिए बेहतर है वो समझ सकें कि एक ECM को किस तरीके से खोला जाता है और कैसे पहचाना जाता है किस गाड़ी का है। क्योंकि ECM हाथ में आ जाते हैं बंदों के, लेकिन यही नहीं पता होता ये है किस मॉडल का। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहले हटा लिया है जी, बेस। अब इसके बाद इसका बैक कवर हटाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, ठीक है। आज में हम इसमें यही बताएंगे कि कौन सा मॉडल किस तरह पहचाने। तो ये चारों स्क्रू हम खोलेंगे। इसे आराम से खोलना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करना चाहिए, इसके नाजुक पार्ट होते हैं, बिल्कुल जल्दी ना करें इसको, आराम आराम से खोलें इसे। तो ये हमारे चारों स्क्रू खोल लिए हमने। अब इसके बाद इसके जो किनारे हैं को हम हीट कर लेते हैं हॉट गन से, जिसको हम हीट कर चुके हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे वीडियो में। हीट कर लिया है और ये सब इस तरह से हमने हल्का हल्का उठा लिया है चारों तरफ से। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ECM रहा, ठीक। इसमें जो हमारा CPU है 1766 CPU उसमें लगा है, ठीक है। ये 1766 इन्फेनियन TC1766 CPU है। सप्लाई IC, ये सारी सप्लाइयाँ यहाँ बनती हैं, सप्लाइयाँ चेक करेंगे बाद में कि सप्लाइयाँ इसमें बन रही भी हैं या नहीं बन रही हैं। अब हमें पहला काम है ये पता लगाना है कि भाई ये किस गाड़ी का ECM है, पर्टिकुलर किस गाड़ी का है। इसमें 39111 लिखा है, इससे तो पता चल गया जो हुंडई का है, और हुंडई लिखा भी है, लेकिन अब पर्टिकुलर किसका है, i20 का है, i10 का है, वरना का है, ठीक है, फिलोडिक वरना का किसका है ये आखिरकार। तो ये हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इंटरनेट की हेल्प लेनी होगी, और ये नंबर है 391112A। ये वाला नंबर जो है हम गूगल ओपन करते हैं और गूगल में ये नंबर डालते हैं, ठीक है, 391112A840। हमने ये नंबर डाला। अब नंबर डालने के बाद हमने इसे सर्च किया, और सर्च करने पे ये जिसने दिखाया कि इस ECM की कीमत 92,382 रुपीज़ है, महंगा है, रिपेयर होगा, इसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा, इसका मतलब ECM की कीमत के हिसाब से होता है ये। खैर, जब हमने इसे सर्च किया तो देखा ये वर्ना फिल्यूडिक 4th जनरेशन 1.6 CRDI इंजन वाला ECM है ये, ठीक है, ये ECM है, राइट। और जो ईयर है इसमें वो 2011 से 2014-14 तक 1.6, ठीक है, 128 HP, और ये गाड़ी रही।
वरना हुंडई वरना फिलोडिक फोर्थ जनरेशन 1.6 एल। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कोई ईसीएम पर्टिकुलर किस गाड़ी का है, इस बात का किस तरीके से पता